वेल हैक्टिक डे हाँ यस टाइम का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया डू यू हैव टू बी समवेयर नहीं कुछ खास नहीं मैं एक्चुअली चाह रहा था कि हम साथ डिनर कर लेते मेरी वालदा जो है वो कुछ मतलब मुझसे नाराज होके मामू की तरफ चली गई है बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल तो घर पे डिनर तो मैं अकेला ही करूंगा एंड फ्रैंकली अकेला और डिनर करने का दिल नहीं चाह रहा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे ज्वाइन कर लें Well, that's not a bad plan at all. हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा एक दूसरे को समझने का लेकिन मेरा एक सजेशन है शो हम डिनर किसी रेस्टोरेंट के बजाय मेरे घर पर करें इफ यू डोंट माइंड नहीं नहीं आई डोंट माइंड लेकिन आप देख लें इज योर फैमिली कंफर्टेबल उन्हें कोई इशू नहीं होगा इनफैक्ट मेरी वाइफ बहुत अच्छी कुक है इसी बहाने आपको उनके हाथ का खाना खाने का मौका मिल जाएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू इट चिकन तो अभी तक ठंडा है आपने पानी में रखा था निकाल के जी दुल्हन दीदी टाइम ही नहीं है हारून को भी आज ही बुलाना था गेस्ट को पता है कि इवेंट पे भी जाना है समझ नहीं आती इन्हें नहीं जाएंगे तो खालों को अलग बुरा लगेगा क्या हुआ आप ही सब्जियों से बातें कर रही हैं माहिन तुम कब आई अभी आपके सामने लेकिन आज तो मेहंदी का फंक्शन है फंक्शन तो रात में है अभी बहुत टाइम है मैंने सोचा आके तैयार हो जाऊं तो तुम वहां तैयार हो जाती माही आपको पता तो है गरीब इलाकों के लाइट के मसले मैंने तो खाला को कहा भी था कि जनरेटर मंगवा ले रेंट पे लेकिन नहीं वही बचत प्रोग्राम फिर मैंने सोचा अपने घर जाके आराम से तैयार हो जाती हूँ स्ट्रेटनर भी नहीं है ना वहां मैंने बाल भी स्ट्रेट करने थे क्या हुआ आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा नहीं नहीं ये बात नहीं है अच्छा अगर आई गई हो तो प्लीज ये प्लेट्स वगैरह रखवा दो समझ नहीं आ रहा काम कैसे खत्म होगा कब तैयार होंगी मैं तो आप मेहंदी पे नहीं आएंगी जाऊंगी तो बस ये खत्म करके फिर तैयार होंगी तो ऐसे ऐसे हुलिये में जाएंगी वैसे अगर आप इस मासी वाले हुलिये में मेहंदी पर आ जाए तो मजा ही आ जाए वो मैं अपने मीरू और अरसल से मिलकर आती हूँ आज भी स्ट्रेट करने अफल्ला टाइम निकली जा रहा है और यहाँ गर्मी भी बहुत है ठीक है